सो हेलो गाइज, हरियाणा में सर्दियों की छुट्टियों को लेकर एक बड़ी अपडेट आ गई है। आज की वीडियो अगर आप लोग कंप्लीट देखोगे तो आपको एक कंफर्म पता चल जाएगा कि किस दिन से छुट्टियां होंगी, कितने दिन की होंगी। बिल्कुल पक्की खबर, बिल्कुल पक्की, ठीक है। लेकिन उसके लिए वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा। और सिर्फ एक खबर नहीं, बहुत सारी खबरें दिखाऊंगा, अलग अलग प्रूफ दिखा दूंगा। आज जो है तुम्हारा, वो कहते हैं ना, पेटा भर दूंगा, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो यार, सबसे पहले जो है एक बड़ी अपडेट निकल के आई है आज दैनिक भास्कर, जो यहाँ पर न्यूज़पेपर है, उसकी तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हो 11 मिनट पहले जो है ये अपडेट दी गई है दैनिक भास्कर ऐप पे, आप लोग भी चेक कर सकते हो। हरियाणा के स्कूलों में 1 जनवरी से छुट्टियाँ, ठंड के चलते 15 दिन बंद रहेंगे स्कूल। पेरेंट्स को व्हाट्सएप पर मिल रही सूचना, नीचे देखेंगे दिसंबर लास्ट तक जारी होगा नोटिफिकेशन। यानी कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अभी नहीं आया है, लेकिन ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि भाई जो है 1 जनवरी से यहाँ पर जो है छुट्टियाँ पड़ जाएंगी, ठीक है। पूरी खबर यहाँ पर देखिए आप। हरियाणा में स्कूलों में 1 जनवरी से विंटर वैकेशन लीव शुरू होगी। राज्य में पेरेंट्स को व्हाट्सएप पर ऐसी सूचना भेजी जा रही है। हालांकि हरियाणा सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, ठीक है। पहले बता रहा हूँ, ऑफिशियल अपडेट अभी नहीं आई है, लेकिन अंदर से जो खबरें आती हैं ना, समझ पा रहे हो, वो आ गई हैं। आगे देखिए, संभावना यह जताई जा रही है कि दिसंबर के लास्ट में विभाग द्वारा नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। आगे देखिए, इसके बावजूद स्टूडेंट्स छुट्टियों की सूचना को लेकर काफ़ी खुश हैं। यानी कि जो है छुट्टियों को लेकर जो है स्टूडेंट खुश है, तो यार सबको पता है आप लोग खुश तो हो ही जाते हो छुट्टियों का नाम सुनते ही। आगे देखिए, हरियाणा सरकार की तरफ से व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना भेजी जा रही है, जिसमें 1 जनवरी 2023 से हरियाणा में सर्दियों की छुट्टियों की शुरुआत हो रही है। और गाइज, अगर कोई यहाँ पर स्टूडेंट जो है जिसके पास ऐसी व्हाट्सएप पे सूचना आई हो, देखो अब हम तो स्टूडेंट है नहीं, ठीक है, हम तो कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, लेकिन जो स्कूल स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके बताना कि उनके व्हाट्सएप वगैरह पे ऐसी सूचना आई है क्या, ठीक है। आगे देखिए, अभी तक इसके लिए आधिकारिक पत्र जारी नहीं किया गया है, उम्मीद है कि जल्द ही आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। आमतौर पर दिसंबर के अंत तक ही आधिकारिक छुट्टियों की घोषणा की जाती है। कहने का मतलब इस न्यूज़ में क्या कहा गया है टोटली वो समझो। आगे अभी और भी प्रूफ दिखाऊंगा, वीडियो को देखते रहो। इस न्यूज़ में ये कहा गया है कि भाई हरियाणा के अंदर जो है 1 जनवरी से छुट्टियां पड़ेंगी, ठीक है। इसके लिए जो है अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप्स आजकल आपको पता ही है बने हुए हैं, तो उनके ऊपर जो है सूचना भेजी जा रही है, ठीक है। और इन्होंने लिखा है हरियाणा सरकार की तरफ से ही सूचना आ रही है, यानी कि ये न्यूज़पेपर वाले, इनको तो पता होता है कि भाई कहाँ से सूचना आ रही है कहाँ से नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक बड़ी अपडेट है आज के लिए। अब बात करते हैं अगले अपडेट के ऊपर, अगले अपडेट को ध्यान से समझना गाइज। एक न्यूज़ आई है, देखिए मैं आपको पहले न्यूज़ ही दिखाता हूँ फिर बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये न्यूज़ जो है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको प्रूफ दिखाऊँगा इसके बारे में कि भाई छुट्टियों के बारे में इस न्यूज़ में कहाँ क्या कहा गया है। तो ये जो न्यूज़ है वो है, हरियाणा के अंदर जो है आपको पता है एक प्रतियोगिता होने वाली है अभी, हरियाणा को जानो, ठीक है। यहाँ पर आप ऊपर वाली लाइन पढ़ेंगे, देखिए, कक्षा 3री से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी होंगे हरियाणा को जानो प्रतियोगिता में शामिल। तो इस न्यूज़ में बताया गया है कि वो प्रतियोगिता कब होगी, यानी कि उस प्रतियोगिता का टाइम वगैरह बताया गया है, डेट वगैरह बताई गई है, और उसी के अंदर जिक्र किया गया है छुट्टियों का। यानी कि इनडायरेक्टली जो है इस न्यूज़ के अंदर छुट्टियों की न्यूज़ भी है। तो मैं आपको जो है ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को जूम करते हैं हम लोग, क्योंकि इस सेक्शन में जो है उन छुट्टियों के बारे में जिक्र किया गया है, और जो पूरी न्यूज़ है वो उस प्रतियोगिता के बारे में है कि भाई ये जो प्रतियोगिता है हरियाणा को जानो ये कब होगी, इसमें क्या आएगा। तो अगर आप लोग इसके ऊपर भी कोई वीडियो चाहते हो, भाई ये जो कंपटीशन है, प्रतियोगिता है हरियाणा को जानो, तो वो भी बना देंगे। लेकिन आज बात कर रहे हैं छुट्टियों की, तो इस पोर्शन को जूम करते हैं। यहाँ पर देखना, जनवरी के 3रे सप्ताह में होगी प्रतियोगिता, ठीक है। प्रतियोगिता जनवरी के 3रे सप्ताह में सर्दियों की छुट्टियों के तुरंत बाद होगी, समझे इस लाइन को। यानी कि इसीलिए मैं आपको ये न्यूज़ दिखा रहा था कि इसमें भी जिक्र किया गया है सर्दियों की छुट्टियों का। अब ध्यान से समझना, ये कह रहे हैं प्रतियोगिता जो है वो जनवरी के 3रे सप्ताह में होगी सर्दियों की छुट्टियों के तुरंत बाद। यानी कि 15 दिन की अगर आपकी छुट्टियां पड़ती हैं, तो 15 दिन में कितने वीक हो गए, 2 सप्ताह, 7-7 दिन के, 7 और 7+14 दिन हो गए ना। यानी कि तीसरा जो वीक होगा, 3रा सप्ताह होगा, उसमें जो है यहाँ पर ये प्रतियोगिता होगी। कहने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जो है 15 तारीख तक जो है छुट्टियां यहां पर हो सकती हैं, समझ गए। आगे देखिए, यदि सर्दी की छुट्टियों के बाद स्कूल 16 जनवरी को लगते हैं, यानी कि 15 जनवरी तक छुट्टियां, ठीक है। आगे देखिए, तो
स्कूल अपने स्तर पर यह प्रतियोगिता 17, 18, 19 और 20 जनवरी को जो है करवा सकेंगे। तो कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा एक और न्यूज़ है, ठीक है, वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर भी इस न्यूज़ में सर्दियों की छुट्टियों का जिक्र किया गया। देखिए, जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगी प्रतियोगिता, वही न्यूज़ है ये भी, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर जो है अलग न्यूज़पेपर भी है, अमर उजाला की तरफ से आप लोग देख सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, इन सब न्यूज़ों से यहाँ पर जो है कन्फर्म हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो है अंदर से खबर निकल के आ रही है कि बिल्कुल छुट्टियाँ होंगी और कहीं ना कहीं जो है 15 जनवरी तक जो है हो सकती हैं, ठीक है। ऑफिशियल नोटिस अभी तक आया नहीं है, ये मैं सच कह रहा हूँ पहले ही, ठीक है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वो भी वीडियो मिल जाएगी। ओके, हो गया क्लियर। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मौसम वगैरह की कि भाई क्या अपडेट आ रही है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था आज जो है तुम्हारा पेटा भर के भेजूंगा, तुम्हें खुश करके भेजूंगा, ठीक है, समझ गए। तो अब यहाँ पर जो है मौसम वगैरह की भी मैंने अपडेट्स इकट्ठा की हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, शीतलहर की चपेट में हरियाणा, 7 साल बाद दिसंबर के तीसरे सप्ताह में गहराई ठंड, यानी कि अब वो ठंड भी बढ़ना स्टार्ट हो गई। आप लोग देख सकते हो धुंध वगैरह, ठीक है, शीतलहर वगैरह चल गई हैं। इसके अलावा और भी अपडेट्स आ रही हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो, सुबह शाम बढ़ी ठंड, हरियाणा में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। सुबह शाम के समय लोगों को अब ठंड परेशान करने लगी है। रात और दिन के मिनिमम तापमान में 10% डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट देखी जा रही है। साथ ही सुबह और शाम भी जो है धुंध ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। और मैंने आपको बहुत दिन पहले ही कह दिया था कि भाई जब जो है धुंध वगैरह पड़ने लग जाएगी तब जो है कहीं ना कहीं सरकार विचार करेगी, ठीक है। और अब आप खुद देख रहे हो अपडेट्स भी आनी स्टार्ट हो गई हैं छुट्टियों की। आगे देखिए, ऐसी ठंड में स्टूडेंट को भी सुबह जल्दी स्कूल जाना पड़ रहा है। बिल्कुल यार, आप सब लोग जा रहे होंगे, कमेंट करके बता दिया करो कुछ ऐसी बातें आएँ आपके रिगार्डिंग, तो कि हाँ भाई सब जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, सर्दी बढ़ने के कारण शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया था। तो आप लोगों ने देख ली कितनी सारी जो है मैंने आज आपको न्यूज़ दिखा दी है। सबसे पहले जो है स्टार्टिंग में दैनिक भास्कर की तरफ से अपडेट थी, फिर अमर उजाला की, इसके अलावा एक और अपडेट दिखाई है, मौसम भी जो है अब यहाँ पर सर्दी बढ़ गई है। तो यार टेंशन मत लीजिए, अब जो है फाइनली कहीं ना कहीं आपको जल्दी ही सर्दियों की छुट्टियों का जो है ऐलान मिल जाएगा सुनने को, ठीक है, कि यहाँ पर सरकार जो है ऑफिशियल नोटिस निकाल देगी और आपकी सर्दियों की छुट्टियाँ हो जाएंगी, ठीक है। भर गया बेटा, अब भी नहीं भरा है क्या? कोई नहीं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आ जाएगा, उसके बाद बिल्कुल भर जाएगा, ठीक है। तो गाइज़, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ पर इसके साथ आप लोग एक कमेंट ये भी करके बताइए कि भाई आप लोग जो है सुबह जल्दी स्कूल जाते हो तो क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें लिख दिया करो, ठीक है। इसके अलावा कितने दिन की छुट्टियाँ चाहते हो और कौन कौन से यहाँ पर जो है स्टेट तो हरियाणा ही होगा, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से वीडियो देख रहे हो ये भी कमेंट करके बता दीजिए, ताकि आपके डिस्ट्रिक्ट की भी कोई अपडेट आए तो वो भी जो है यहाँ पर मिल जाए। तो गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल वीडियो मिल जाएगी। फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।